अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहर किचन। आज की हमारी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल इफ्तारी के लिए हरीरा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 500 ml दूध गाढ़ा वाला, 2 टेबलस्पून घी, 4 खजूर, 2 टेबलस्पून खसखस, मैंने इसको सेरी में भिगो कर रखा था, 20 काजू, इसको भी मैंने भिगो लिया है, 20 बादाम, इसको भी मैंने भिगो कर इसका छिलका निकाल लिया है, 1 कप सूखा खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट, मैंने इसको भिगो कर इसका छिलका निकाल के इसको ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप शक्कर, मैंने इसको पाउडर बना लिया है, 1 ग्लास पानी, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 इलायची। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें भीगे हुए बादाम, भीगे हुए काजू डालकर इसको अच्छा से फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए अब अच्छे से फाइन पेस्ट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब और एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें सूखा खोपरा, भीगी हुई खसखस, और थोड़ा पानी डालकर इसको भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये भी हो चुका है, इसको भी निकालेंगे। एक बाउल में छन्नी रखकर इसको छान लेंगे, इसका सिर्फ हम दूध निकाल लेंगे। अब इसको दोबारा से इसी जार में डालकर और एक बार इसको पेस्ट बना लेंगे थोड़ा पानी डालकर। इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसका भी हमने सेकेंड एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। अब ये हो चुका है। अब गैस पे एक पैन रखकर इसमें घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद लौंग और दालचीनी डाल देंगे, लौंग को थोड़ा फूटने देंगे। अब लौंग फूट चुके हैं, इसके अंदर खजूर को इस तरीके से खोल के डाल देंगे, इसका बीज निकाल के डालकर थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब खजूर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको यही घी वाली कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर दूध डाल देंगे। काजू बादाम का पेस्ट,
डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ रहा है, आंच कम करके अब इसमें खसखस और सूखे खोपरे का एक्सट्रैक्ट डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर, डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और एक से दो मिनट पकाएंगे। देखिए अब दो मिनट हो चुके हैं। देखिए उबल रहा है, गैस बंद कर देंगे। अब इसमें इलायची को मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था, इसमें मिला लेंगे। अब तले हुए खजूर भी इसमें डाल देंगे। डालकर इसको इफ्तारी के लिए सर्व कर लेंगे। अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रमज़ान स्पेशल इफ्तारी के लिए हरीरा बनकर तैयार हो चुका है गर्मा गर्म। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।